बिना मैदा आज बनाएंगे रेस्टोरेंट जैसा लच्छा पराठा। बहुत ही आसान तरीके से इसे बनाएंगे। ये देखिए, एक एक लेयर्स ऐसे ही खुलेंगी, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 कप गेहूँ काटा लिया है और इसे छान लिया है। आधा छोटा चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे और ये 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा गर्म पानी लिया है और गर्म पानी के साथ हम इसका सॉफ्ट डो लगाएंगे, जैसा हम चपाती के लिए लगाते हैं उससे थोड़ा सा सॉफ्ट डो लगाना है। और इसे लगाने के लिए हमने पूरा 1 कप पानी लिया है। डो लगाने के बाद इस पर थोड़ा सा घी लगाएंगे और 4 से 5 मिनट के लिए डो को बहुत अच्छे से नीट करेंगे। ऐसा करने से पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। तो हमने इसे बहुत अच्छे से नीट कर लिया है। ये देखिए, थोड़ा सॉफ्ट है ये डो। अब इस पर गीला कपड़ा लगाएंगे और इस आटे को कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। आटे को रेस्ट जरूर से दें, जिससे पराठे अच्छे बनेंगे। अब मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है 4 चम्मच देसी घी। तो सबसे ज़रूरी टिप ये है कि घी जमा हुआ लें और घी को पहले हम 1 से 2 मिनट के लिए फेंट लेंगे, जिससे घी क्रीमी हो जाएगा और जो पराठे में लेयर्स बनेंगी वो सारी खुल जाएंगी। तो ये सबसे ज़रूरी टिप है, इसे ज़रूर से फॉलो करें। जगह आप डालडा भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, घी एकदम लाइट और क्रीमी हो चुका है और बस अब हम इसमें मसाले मिला देंगे। तो स्वाद अनुसार हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, स्वाद अनुसार ही नमक डाल देंगे और ये है 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और ये है पुदीना। तो ये ड्राई पुदीना है, इसे एकदम क्रश कर लेंगे और साथ ही थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे। ये सभी मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन मसालों से ये पराठा बहुत टेस्टी बन जाएगा। आप चाहे तो इसमें क्रश किया हुआ गार्लिक भी डाल सकते हैं। मसालों को मिक्स कर लिया है, अब आटा देख लेते हैं। ये देखिए, आटे को थोड़ा सा और नीट कर लेंगे और इसे बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। 2 कप आटे से 6 लच्छा पराठा बन करके तैयार होंगे। अब एक बड़ी सी बोल लेंगे, इसे अच्छे से रोल करेंगे। तो इस बोल को अच्छे से आटे में डस्ट करेंगे और अब हम इसकी चपाती बनाएंगे। हम इसे बेलेंगे, जितना बड़ा हम इसे बनाएंगे उतनी ही ज़्यादा लेयर्स बनेंगी। तो मैंने इस चपाती को रोलिंग बोर्ड जितना बड़ा बनाया है। चपाती को बेलने के बाद इसके ऊपर हम 1 चम्मच बटर डालेंगे और इसे चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। अब इस बटर पर हम आटा डस्ट करेंगे। तो आटे को चारों तरफ अच्छे से डस्ट करें, जिससे लेयर्स अच्छी खुलेंगी। अब इस चपाती को हम फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से एक के ऊपर एक प्लेट्स बनाते जाएंगे। जितनी प्लेट्स बनाएंगे उतनी ही पतली लेयर्स बनेंगी। जैसे हम पेपर का फैन बनाते हैं, बस वैसे ही हमें चपाती को फोल्ड करना है। बहुत ही आसान तरीका है लच्छा पराठा बनाने का। इससे एक एक लेयर्स खुल कर आएंगी। और लास्ट की जो प्लेट है उसे हम इस तरीके से चिपका देंगे। अब इन सबको हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा चिपका देंगे और थोड़ा सा लंबा कर लेंगे। अब हम इसे रोल करेंगे। तो थोड़ा सा टाइट हैंड से पकड़ते हुए हमें इसे रोल करना है, ताकि आपस में चिपक जाए और जब हम पराठा बेलें तो ये खुले नहीं। और लास्ट के पार्ट को हम इस तरीके से नीचे प्रेस कर देंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा पुदीना पाउडर, हरी मिर्च और अजवाइन डाल देंगे। और इस तरीके से मैंने ये सभी बोल्स बना ली है। अब इसकी लच्छा पराठा बनाते हैं। सभी बोल्स बना करके इन्हें ढककर रखें और एक एक करके लच्छा पराठा बेल लेंगे। यहाँ पर रोलिंग बोर्ड पर थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से पराठे को बेलना है। ये देखिए, मैंने इसे चपाती के जितना ही बेला है और इसे हम थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे, जिससे सभी लेयर्स बहुत अच्छे से खुलेंगी। एकदम पतला बनाने से इसमें लेयर्स खुलेंगी नहीं। चलते हैं गैस की तरफ। गरम तवे पर पराठे को डालेंगे और इसके ऊपर की साइड ऊपर ही रखेंगे। फ्लेम को हम मीडियम पर रखेंगे, लो फ्लेम पर पराठे को ना सेकें, वरना ये घी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा और फूलेगा नहीं। तो यहाँ पर इसे नीचे से थोड़ा सा सेकने देते हैं, फिर इसे फ्लिप करेंगे। अब ऊपर की साइड घी लगा देंगे और फिर से पराठे को फ्लिप करेंगे। और जब ये हल्का हल्का फूलने लगेगा तब हम इसके साइड से घी डालेंगे। तो इस तरीके से साइड से घी डालने से लेयर बहुत अच्छे से खुलेंगी। फ्लेम को हमने लो टू मीडियम पर ही रखा है। इसके ऊपर भी घी लगा देंगे। आप चाहे तो इसे ऑयल में भी बना सकते हैं। इस तरीके से घी डालने से घी इनके लेयर्स में जाएगा और एक एक लेयर खुल जाएगी। अब इस पराठे को फ्लिप कर देते हैं
और साइड से घी डाल देंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा घी डालें। हल्के हाथों से इसे प्रेस कर देंगे कि पराठा फूलना शुरू हो चुका है। इसे हम फ्लिप करेंगे, ये देखिए ये लेयर्स खुलना शुरू हो चुकी हैं। इसे फिर से फ्लिप कर देंगे और हल्के हाथों से प्रेस कर देंगे ताकि ये सारे तरफ से अच्छे से सिक जाए। और ये देखिए ढेर सारी परतें खुल चुकी हैं और तैयार है गेहूं के आटे से बना हुआ ये मसाला लच्छा पराठा। तो सभी टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके भी ये पराठे ऐसे ही बनेंगे। एक एक लेयर्स खुल कर आई है, बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी लच्छा पराठा बन करके तैयार हुआ है। आप इस हेल्दी मसाला लच्छा पराठा को ज़रूर से बनाकर देखिएगा और रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आप इसे कब बना रहे हैं। और अगर आपको रेसिपी पसंद आ जाती है तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा चैनल को ऐसे ही और रेसिपीज़ को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।